नमस्कार। विक्रम संवत 2078 जो दिवाली 2021 से स्टार्ट होगा और दिवाली 2022 को ख़त्म होगा, वो सब हमारी वैदिक जन्म की चंद्र राशि के ऊपर क्या फल देगा उसके बारे में आज का वीडियो है। एक बात यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वह बात वैदिक साइडीडियल राशि के बारे में बात की जा रही है, हम वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रहे। दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर जन्म लग्न की बात भी नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। और शास्त्रों में इसके लिए चर्चा की जाती है कि जब कोई संवत्सर होता है या संवत होती है या कोई संक्रांति होती है तब फलादेश के लिए क्या देखना चाहिए, जन्म लग्न देखना चाहिए या चंद्र राशि देखना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विवाह वृंदावन ग्रंथ में एक श्लोक दिया गया है, जन्म लग्न मिदम अंगम अंगीनाम मेनिरे मन इंदु मंदिरम। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि जो जन्म लग्न है वह फिजिकल दैट मीन्स बॉडी है, जो आँखों से दिखता है वैसा पार्ट है, और जो चंद्र है वह चंद्र मन है, और शरीर जो है वह मन को फॉलो करता है। मनुष्यों के लिए मन की ही प्रधानता है। ब्रह्मविद्धु उपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन के द्वारा ही मनुष्यों की सभी प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से आने वाले इस संवत में हमारे चंद्र के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर हमें क्या फल मिलेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। हेल्थ के लिए यह टाइम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। अप्रैल के बाद जो ग्रह योग बन रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि आपको बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी हेल्थ में। इतना ही नहीं, मस्तिष्क पीड़ा एवं नेत्र पीड़ा जैसे रोग भी हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर आपको है या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीज आपके ऑलरेडी हो चुका है तो हमारी सलाह है कि आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, अदरवाइज शस्त्र क्रिया भी हो सकती है। एक्सरसाइज में ध्यान रख के, फूड में थोड़ा कॉशियस रहकर अगर आप ये समय को निकालोगे तो डेफिनेटली दिक्कतें कम आएगी। वेल्थ के लिए यह समय मिक्स रहने वाला है। कामकाज तो बहुत रहेगा लेकिन जिस तरह का लाभ आपको मिलना चाहिए, जिस तरह का रिटर्न आपको मिलना चाहिए, वह रिटर्न मिलता हुआ आपको नहीं दिखा देगा। जॉब वालों को प्रमोशन अवश्य मिलेगा लेकिन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती है और अगर आपने मन को मोटा नहीं रखा तो शायद अप्रैल के बाद पार्टनरशिप टूट भी सकती है। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए आपको प्रॉमिस करने से पहले 100 टाइम्स सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रॉमिस करोगे शायद वो आप डिलीवर ना कर पाओ और उसके कारण क्रेडिट लॉस भी हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए यह समय मध्यम शुभ होगा। बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद होंगे लेकिन आपसे जो छोटे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और उस कारण फैमिली में एक तरह का सानुकूल वातावरण बना रहेगा। अनमैरिड जो लोग हैं अगर वो जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं तो अप्रैल तक का जो समय है वह उनके लिए बहुत अच्छा है। विवाहित जो ऑलरेडी है, कपल्स के बीच के लिए ये जो समय है वह समय अत्यंत शुभप्रद रहेगा। अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो मई 2020 तक का जो समय है तब आप कंसीव कर सकते हो। परिवार सुख के लिए ये टाइम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा लेकिन इंडिविजुअल रिलेशनशिप के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन की बात करूँ तो यह समय मिश्र शुभ होगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल या उससे 5% कम फल आपको मिलेगा,
दैट मीन्स अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 105% एफर्ट्स करने होंगे। मित्रों के कारण या फैमिली रीज़न के कारण आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है, तो ऐसा मान के आप बिल्कुल मत चलो कि लास्ट टाइम या जो एग्ज़ाम होगी उससे पूर्व हम पढ़ाई कर लेंगे, वैसा आप नहीं कर पाओगे। सो समय जो मिला है उसका आप सदुपयोग करना, अदरवाइज़ आपको जो चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट नाउ सेकंड राशि, वृषभ राशि। हेल्थ के लिए ये अति अशुभ समय है, ये टाइम ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं होगा और उसके कारण आपकी हेल्थ में क्या हुआ है उसके बारे में एक तरह का सस्पेंस बना रहेगा, शारीरिक थकान एवं मानसिक व्यग्रता रहेगी, एक्सीडेंट के चांसेस भी है, गिरने के भी चांसेस है, जिसके कारण आपका बहुत सारा समय बेड रिटर्न होकर भी जा सकता है, तो आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र अशुभ रहेगा, आप चाहे कितनी ही ज़्यादा एफर्ट्स क्यों ना कर लो लेकिन आपको रिजल्ट 20-30% कम ही मिलेगा और उसके कारण एक तरह का फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। हालांकि कार्यों में भले ही विलंब हो लेकिन अप्रैल मास के बाद जो समय आएगा वह समय में आपको थोड़ा बहुत मुनाफा भी होगा। जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी लेकिन जिस तरह का धन लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई यू माइट सफर डिसअपॉइंटमेंट इन जॉब एनवायरनमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा, जो खुद के व्यवसाय में है उनको प्रोजेक्ट में विलंब होता हुआ दिखाई देगा और जितना प्रॉफिट मार्जिन आप मानकर चले थे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ओवरऑल मोर एफर्ट्स एंड लेस रिवॉर्ड्स वाला यह टाइम है। रिलेशनशिप के लिए यह समय मिश्र है, फैमिली बिजनेस भले ही आपका अच्छा हो लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण फैमिली में एक तरह की व्यग्रता रहेगी, फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा। अविवाहितों को जीवन साथी की प्राप्ति अप्रैल के बाद हो सकती है, विवाहितों के लिए यह समय ओवरऑल शुभ रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन नाउ, एजुकेशन के लिए यह समय मिश्र शुभ रहेगा। अप्रैल 2022 के बाद का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगर आप पढ़ाई के लिए प्रदेश गमन के प्रयत्न कर रहे हो तो अप्रैल 2022 के बाद आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में प्रयत्नशील हो तो अप्रैल 2022 के बाद उसमें ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल 100% चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको 115-120% एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड राशि, मिथुन राशि। हेल्थ के लिए यह समय मिश्र टाइम है, आपका भी योग्य डायग्नोसिस न होने के कारण जो आपको रिकवरी होनी चाहिए उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपके एब्डोमिनल इंटेस्टाइन एवं गुप्त अंग रिलेटेड डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस है, खाने पीने की इरेगुलरिटीज़ के कारण और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रोल, ऐसे रोग होने की संभावना है, मेंटल वरीज भी रहेगी। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। वेल्थ के लिए यह अति शुभ समय है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, न्यू प्रॉपर्टीज़ आप शायद लोगे या न्यू व्हीकल्स भी आप शायद ले सकते हो। जॉब वालों को दिक्कत आएगी शुरुआत में लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वह प्रमोशन भी देकर जाएगा और सैलरी में राइज भी मिलेगा। बिजनेस एवं पार्टनरशिप के लिए यह समय अति शुभ है, बिजनेस ट्रैवलिंग हालांकि इतना फ्रूटफुल नहीं होगा लेकिन फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप्स के लिए यह समय मिश्र अशुभ समय है।
सिबलिंग्स के साथ या फिर आपके पेरेंट्स या आपके बड़ों के साथ मतभेद हो सकता है। जीवन साथी के साथ अप्रैल 2022 तक का समय शुभ जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट शायद आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने ज़्यादा सरफेस पर आ जाए कि डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। अविवाहितों को जीवन साथी की प्राप्ति मार्च अप्रैल या मई मास में होने की प्रबल संभावना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस संवत दैट मीन्स अगर अप्रैल तक का समय में देखूँ तो अविवाहितों को जीवन साथी विषयक जो भी उनकी इच्छा है वह इच्छा में उनको सफलता मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी रखना आपके लिए अति आवश्यक है, अदरवाइज जो लाइफ लॉन्ग आपके रिलेशंस से वो शायद इस समय के दौरान टूट भी सकते हैं। एजुकेशन के लिए यह समय मिश्र टाइम है। मेहनत के सामने आपको कम परिणाम मिलेगा। 100% रिजल्ट अगर आपको लेना है तो आपको 140% एफर्ट्स देने पड़ेंगे। उच्च अभ्यास के लिए प्रदेश गमन के योग अति प्रबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ राशि कर्क राशि। हेल्थ के लिए यह मिश्र शुभ समय है। अगर काफ़ी लंबे समय से आपको कोई रोग हुआ है और उसका उपाय नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय में उसका डायग्नोसिस भी हो जाएगा और उसकी रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज या खाने पीने के कारण होने वाले सामान्य रोग इस समय में होंगे, लेकिन कोई बड़ा रोग होने की संभावना इस समय में नहीं है। आपको खाने पीने की इरेगुलरिटीज या डाइजेशन रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है। मेंटल या इमोशनल चैलेंजेस भी आएगी, लेकिन आप उसको ओवरकम कर पाओगे। वेल्थ के लिए यह समय शुभ है। अप्स और डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन ओवरऑल यह समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी में राइज भी मिलेगा। जिनका खुद का व्यवसाय है उनको इस समय के दौरान ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आगे जाके आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाले हैं। पार्टनरशिप वाले व्यवसायों में यह समय अप्रैल 2022 के बाद थोड़ी बहुत चुनौतियाँ देगा, लेकिन ओवरऑल पार्टनरशिप में भी अच्छा ही समय रहेगा। रिलेशनशिप की बात करो तो यह समय मध्यम शुभ है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चैलेंजेस जो काफ़ी समय से चल रहे थे उसमें अचानक सुधार आएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप अभी तक अच्छी तरह से चल रहे थे उसमें शायद किसी मामूली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण झगड़े होने की संभावना है, तो आपको मन बहुत मोटा रखना पड़ेगा। जो लोग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है उन सब के लिए मई 2022 के बाद का समय अच्छा न्यूज़ लेकर आएगा। अगर आप संतति के लिए प्रयत्नशील हो तो मई 2022 से लेकर दिवाली 2022 तक का जो समय है उस समय के दौरान कंसीव होने के प्रबल चांसेस है। इतना ही नहीं, आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी ये समय बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होगा। क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन वो भी आगे जाके रिजॉल्व हो जाएगा। एजुकेशन के लिए यह समय मिश्र अशुभ है। 100% के सामने आपको 160% एफर्ट्स देने होंगे। अगर आप नसीब के भरोसे रहे या फिर लक के भरोसे रहे तो मेरा मानना है कि आपको इस समय के दौरान बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। सो आपको उच्च अभ्यास में भी इच्छित जो आपकी लाइन है उसमें शायद आपको एडमिशन न मिले। सो ओवरऑल इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ राशि सिंह राशि। हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। डोंट टेक दिस टाइम फॉर ग्रांटेड एल्स बहुत ही घातक बीमारी होने के चांसेस है जिसमें सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन हो। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने की भी पूरी संभावना है।
मेरी सलाह आपको ये है कि आपको इस साल के दौरान, इस संवत के दौरान, आपको प्रॉपरली एवरी नाउ एंड देन मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम ना हो और आगे जाके आपको बहुत बड़ी बीमारी को फेस करना पड़े। ऑल्टरनेट मेडिसिन से भी आपको लाभ होगा। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र है। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल होगी, पर धन लाभ भी उतना ही होगा। न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू बिजनेस को आपको इस दफ़े ट्राई नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। जॉब में प्रमोशन मिलेगा लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ेगी, तो एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर भी रहेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो मेरी सलाह है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो आपको ओवर द टेबल उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, अदरवाइज ये हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप टूट जाए। रिलेशनशिप के लिए यह मिक्स बट पॉजिटिव टाइम है। नए जीवन साथी की प्राप्ति आपको अप्रैल 2022 तक होने की पूरी संभावना है। अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो भी अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़ों के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा और फैमिली लाइफ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी या फिर उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस है। सो हमारी सलाह है कि इस समय का आपको भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। इट्स ए टाइम इन विच यू कैन थिंक अबाउट एब्रॉड स्टडीज़। अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो तो इस समय के दौरान आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। यूज़ दिस टाइम फॉर ब्राइटर फ्यूचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ राशि, कन्या राशि। हेल्थ के लिए यह मिश्र अशुभ समय है। डाइजेशन रिलेटेड डिसीज या फिर हृदय शस्त्र क्रिया, हार्ट सर्जरी होने के चांसेस है। पैरों में कोई चोट लगे और वो चोट इतनी बढ़ जाए कि आपको वहाँ पर भी शस्त्र क्रिया करवानी पड़े, वैसे प्रबल योग है। कॉमन कोल्ड या कफ या ब्रीदिंग रिलेटेड डिसीज भी अप टू मई 2022 आपको एक तरह की परेशानी देते रहेंगे। वेल्थ के लिए यह मिश्र शुभ समय है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से लाभ होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके या शॉर्टकट लेना चाहोगे वेल्थ जनरेशन के लिए तो उसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जॉब में सेटिस्फैक्टरी लाभ नहीं मिलेगा मॉनेटरीली, लेकिन आपका डेजिग्नेशन या पोजीशन बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। पार्टनरशिप के लिए यह समय अति शुभ है, लेकिन मई 2022 के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। अगर व्यक्ति खुद का व्यवसाय कर रहा है तो आपको अप्रैल 2022 के बाद अकल्पनीय लाभ होगा। वेल्थ के लिए आप जितना प्रयत्न करोगे उससे ज़्यादा लाभ होने के चांसेस इस संवत में है। रिलेशनशिप के लिए यह समय अति अशुभ रहने वाला है। स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत भारी तनाव हो सकता है। पेरेंट्स या बड़ों के साथ दिक्कतें आ सकती है। फैमिली मेम्बर्स कोई इलीगल काम कर रहा हो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के सामने आ जाए और उसके कारण कोई लीगल बैटल में आपको जाना पड़े और उसके कारण आपकी रेपुटेशन भी दाव पर लग जाए, वैसे प्रबल चांसेस है। अपकीर्ति मिलने के प्रबल चांसेस है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी इस समय के दौरान नहीं मिलेगा और जो ऑलरेडी विवाहित है उनके लिए मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत ही कॉशियस रहने का समय है। एजुकेशन के लिए यह समय मीडियम है। 100% के लिए आपको 125% एफर्ट्स देना पड़ेगा। आलस या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण दिक्कतें आ सकती है।
अभ्यास के लिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, अदरवाइज आपको पूरा जीवन इसके बारे में अफसोस रहेगा। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या फिर आपकी खुद की हेल्थ के कारण एजुकेशन में दिक्कतें आने की पूरी संभावना है। अब सातवीं राशि दैट मीन्स तुला राशि के बारे में बात करते हैं। हेल्थ के लिए यह टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई परमानेंट डिसीज आपको परमानेंट डैमेज देकर जाएगा। हार्ट, लेग या फिर आईज रिलेटेड समस्या होने की पूरी संभावना है। स्किन डिसीज या एलर्जी रिलेटेड डिसीज भी हो सकते हैं। सो डोंट टेक दिस ईयर वेरी लाइटली। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र अशुभ रहेगा। गैम्बलिंग के आधार पर चलने वाली कोई भी लाइन या फिर फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर किसी भी लाइन में पैसे आप इन्वेस्ट मत करना, अदरवाइज वो पैसे डूब जाएंगे। आर्थिक हानि के प्रबल योग है। जॉब में दिक्कतें आएगी, लेकिन आप जॉब छोड़ना मत, अदरवाइज नई जॉब नहीं मिलेगी और आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के लिए बिट्रेयल के चांसेस है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। खुद के व्यवसाय में भी प्रॉपर पेपर वर्क न करने के कारण, गवर्नमेंट के कारण या फिर कोर्ट केसेस होने की पूरी संभावना है। जल्दबाजी में इस संवत में कोई भी काम न करें। रिलेशनशिप के लिए यह समय मिश्र शुभ रहने वाला है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जो ऑलरेडी विवाहित है उनका समय भी अच्छा व्यतीत होने वाला है, लेकिन सिबलिंग के साथ या फिर किसी फैमिली मेंबर्स के साथ कोई दिक्कत आ सकती है और उसके कारण शायद कोर्ट केस तक की भी नौबत आ सकती है। अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो आपको अप्रैल 2022 तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ है। उसके बाद आपको संतान के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मिस कैरेज के भी चांसेस है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। मेहनत से समान रिजल्ट मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना, या फिर 100% मेहनत के सामने 90% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उच्च अभ्यास के लिए प्रवृत्तिशील हो तो इस साल डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ने के लिए सोच रहे हैं उनको भी इस साल लाभ मिलेगा, लेकिन जो प्रथम भाग है दैट मीन्स टाइम अप टू अप्रैल 22 वो समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जितनी मेहनत आपको करनी है वो तब तक आपको कर लेनी चाहिए। सेकंड हाफ जो है वो एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजेस दे सकता है, उस तरह के ग्रह योग है। लेट्स टॉक अबाउट आठवीं राशि वृश्चिक राशि। हेल्थ के लिए ये समय मिश्र रहेगा। स्पाइनल कोड की तकलीफें, बोन रिलेटेड समस्याएं या एक्सीडेंट के योग है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने की भी प्रबल संभावना है। याद रहे, अगर आपने हेल्थ को लाइटली लिया तो मई 2022 के बाद हार्ट रिलेटेड डिसीज भी आपको हो सकते हैं। वेल्थ के लिए यह शुभ मिश्र समय है। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम आएगी और आप उसको अपने लाभप्रद वातावरण में या लाभप्रद कंडीशन में एक्टिवेट भी कर पाओगे। जॉब चेंज हो या जॉब में प्रमोशन हो या सैलरी राइज हो, ये होने की भी प्रबल संभावना है। जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनको मई 2022 के बाद का जो समय है उसमें कई सारे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिससे उनको लॉन्ग टर्म लाभ होगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल होते इस समय के दौरान आप देखोगे। पार्टनरशिप वाले व्यवसायों में भी यह समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। रिलेशनशिप्स के लिए यह समय मिक्स्ड अशुभ है। पारिवारिक डिस्प्यूट्स बहुत हो गए ड्यू टू इम्प्रॉपर पेपर वर्क, लीगल कारणों सर, या फिर
थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट फिनांस के कारण जो आपके पारिवारिक संबंध थे उसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने की संभावना इस साल है। अगर जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए आप प्रवृत्त हो तो हमारी सलाह है कि वो प्रयास आपको मई 2022 के बाद ही करना चाहिए। अगर उससे पूर्व आपने प्रयास किया तो आपको असफलता मिलेगी। जो ऑलरेडी विवाहित है उनके लिए यह समय अच्छा व्यतीत होगा। याद रहे, सिबलिंग्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्प्यूट न हो उसके लिए आपको इस साल प्रवृत्त रहना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए समय मिक्स्ड शुभ है। आप एजुकेशन को अगर टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा या फिर उससे सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% कम मिलेगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। याद रहे, उच्च अभ्यास के लिए जो प्रवृत्त हो रहे हैं उनको शायद इस समय के दौरान थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप मई 2022 के बाद ट्राई करोगे तो उच्च अभ्यास में आपको सफलता भी मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9th राशि, धन राशि। हेल्थ के लिए यह समय मिश्र शुभ है। अप्रैल 2022 तक थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहेंगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल ख़त्म हो जाएगा यू विल सडनली फाइंड कि जैसे कि आपका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया। अगर कोई एक प्रोलॉन्ग डिसीज से आप सफ़र कर रहे हो तो अप्रैल 2022 के बाद आपको सडनली राहत मिलेगी। सिर्फ खाने पीने की इरेग्युलरिटीज के कारण या फिर मंद डाइजेशन के कारण आपको दिक्कतें आ सकती है। कॉमन कोल्ड या कफ जैसी समस्याएं भी थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र अशुभ है। आय से ज़्यादा व्यय होगी। जितना कमाओगे उससे कई गुना ज़्यादा आप खर्च करोगे एंड दैट्स वाई एक तरह की शॉर्टेज ऑफ मनी की समस्या आप फेस करोगे। जॉब में लॉट्स ऑफ ट्रबल आएगी, लेकिन मई 2022 के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। पार्टनरशिप टूटने की पूरी संभावना है। सो हमारी सलाह है कि अगर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है तो आपको उसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। ओन बिजनेस आप जो अभी कर रहे हो वही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या नया स्टार्टअप करने के लिए ये समय इतना ज़्यादा शुभ नहीं है। कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, इन दैट केस यू विल सक्सीड अ लिटल, लेकिन जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज नया जो काम शुरू करोगे वो थोड़े ही समय के अंदर आपको लॉस करके बंद करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय अति अशुभ है। पारिवारिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा सरफेस पर आएगी। उसमें भी मई 2022 तक का जो समय है वो समय अति अशुभ है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सारी दिक्कतों वाली घटनाओं के अंदर से गुजरेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो हमारी सलाह है कि अप्रैल 2022 तक का जो समय है तभी तक आपको प्रयास करना चाहिए, उसके बाद आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर आप सिंगल रह सकते हो तो हमारी सलाह है कि आपको ड्यूरिंग दिस संवत वैवाहिक जीवन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और अगर स्टार्ट हो जाए तो मन मोटा रखना क्योंकि दिक्कतें आने की पूरी संभावना है। सेकंड हाफ ऑफ दिस संवत दैट मीन्स मई 2022 के बाद जो ऑलरेडी वैवाहित है उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है और बात डिवोर्स तक जा सकती है। सो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना। रिलेशनशिप नई स्टार्ट मत करना, जो है उसको संभाल के रखना। एजुकेशन के लिए यह समय अति अशुभ रहने वाला है। ड्यू टू फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कमस्टेंसेस या फिर आपके हेल्थ के कारण
आप जिस तरह का लाभ लेना चाह रहे हो अभ्यास से वो आपको नहीं मिलेगा। 100% रिजल्ट के लिए आपको 200% एफर्ट्स देने पड़ेंगे। उसका अर्थ ये हुआ कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे 50% रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही ग्रह योग आपके दिख रहे हैं, तो अगर आपको 100% चाहिए, यू शुड इंक्रीज योर एफर्ट्स। टाइम इज सच कि अगर आपने भाग्य के ऊपर बात रखी तो आपको सुनिश्चित तौर पर निष्फलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th राशि, मकर राशि। हेल्थ के लिए यह समय अति अशुभ है। हेड, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड समस्याएं होने की पूरी संभावना है। दैट मीन्स ये ऐसे ऑर्गन है जो परमानेंट डैमेज लेकर जाते हैं। तो अगर आप इस समय के दौरान कॉशियस नहीं रहे और हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, तो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा उस तरह का डिसीज आपको होगा। या ये भी हो सकता है कि आपका कोई अंग या ऑर्गन पूरी लाइफ के लिए डैमेज हो जाए। सर्दी जुकाम जैसे कॉमन डिसीज तो वैसे होते ही रहेंगे और उसके कारण ये पूरे संवत में आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होती रहेगी। याद रहे, हो सके तो आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के भी इस साल प्रबल योग है। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र शुभ है। जॉब और बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन धन लाभ भी उतना ही होगा। जॉब में प्रमोशन तो मिलेगा, क्योंकि जॉब जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरह का होगा कि आपको ओवरऑल जॉब में मज़ा नहीं आएगी। पार्टनरशिप वाले व्यवसायों में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चला लोगे तो पार्टनरशिप टिक जाएगी, अदरवाइज टूट जाएगी। ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड बी केयरफुल अबाउट गैम्बलिंग और फ्यूचर एंटिसिपेशन। भविष्य में लाभ होगा ये मानकर वर्तमान में कोई निवेश भी मत करना या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी मत करना, अदरवाइज आप बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपके छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होंगे वो तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी और शायद वो बड़ा प्रोजेक्ट बंद भी हो जाए। रिलेशनशिप्स के लिए यह समय मिक्स अशुभ है। याद रहे, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पूरे का पूरा पारिवारिक जीवन खत्म हो जाए, उस तरह के योग इस साल है। सिबलिंग के साथ मतभेद होने के, बड़ों के साथ लड़ाई होने के और पार्टनर्स के साथ लीगल बैटल में जाने के प्रबल योग है। दाम्पत्य जीवन में 2022 तक अगर कोई लड़ाई आपकी चल रही है तो ऑन द टेबल उसको ख़त्म कर लेना। अदरवाइज वैवाहिक जीवन में चल रही वो छोटी समस्या अप्रैल 2022 के बाद डिवोर्स तक भी जा सकती है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रवृत्त हो तो मई 2022 के बाद का जो समय है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल ये जो समय है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अशुभ है, तो आप जो भी बोलो उससे पहले हमारी सलाह है कि दो दफ़े सोच लो। एजुकेशन के लिए यह समय मिक्स शुभ है। 100% एफर्ट के लिए आपको 110% एफर्ट्स देने होंगे। उच्च अभ्यास के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। प्रदेश गमन या फिर स्कॉलरशिप की प्राप्ति अप्रैल 2022 के बाद होने की पूरी संभावना है। इस समय का आप सदुपयोग कर लेना, क्योंकि ये जो समय है उसमें जो आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे वो आगे जाके आपको बहुत बड़े लाभ देगा। ओवरऑल एजुकेशन में ये समय आपको शुभ परिणाम देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th राशि, कुंभ राशि। हेल्थ के लिए यह समय मिक्स रहेगा। कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा, लेकिन सर्दी जुकाम जैसे छोटे छोटे
रोग होने के कारण आपको मज़ा नहीं आएगी। डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं या फूड रिलेटेड समस्याएं या फिर इररेगुलरिटीज़ ऑफ फूड के कारण आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, लेकिन नया कोई रोग नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ भी चल रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। वेल्थ के लिए ये समय अति अशुभ है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आपको हानि होने की संभावना है। जॉब में आपको दिक्कतें आ सकती है और शायद आपको आपकी गलती या किसी और की गलती के कारण फायर भी किया जा सकता है। सो हमारी सलाह है कि बिलो प्रोफाइल रहकर या फिर आहिस्ता रहकर या फिर अपने ईगो को डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता आपको जॉब में समय निकालना चाहिए। ओन बिजनेस में आपको इस सोबत में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ड्यू टू फॉल्टी पेपर या रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लीगल कार्यवाही भी हो सकती है, वो याद रहे। पार्टनरशिप के लिए ये समय मिश्र रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप टिकी रहेगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय मिश्र रहेगा, मतभेद होंगे लेकिन पारिवारिक सुख मिलता रहेगा। बड़ों के इंटरफियरेंस के कारण सिबलिंग्स के साथ जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसका इस सबक के अंदर समझौता आ जाएगा। पारिवारिक जीवन या मैरिड लाइफ आफ्टर मई 2022 थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, लेकिन ओवरऑल ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है तो अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अप्रैल 2022 तक का समय बहुत ही शुभ है। एजुकेशन के लिए समय मिक्स बट शुभ रहने वाला है। 100% एफर्ट के लिए आपको 130 या 140% एफर्ट्स देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। अप टू ग्रेजुएशन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, लेकिन जो लोग पीजी के लिए ट्राई कर रहे हैं शायद उनको जिस लाइन में एजुकेशन चाहिए, एडमिशन चाहिए, उस लाइन में शायद उनको एडमिशन न मिले और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। शायद स्कॉलरशिप भी न मिले, और प्रदेश गमन के लिए अगर आप प्रवृत्त हो तो शायद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर एडमिशन न भी मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th एंड द लास्ट राशि, मीन राशि। मीन राशि की हेल्थ के लिए यह समय मिक्स्ड अशुभ है। लंबी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन मई 2022 तक हेल्थ आप अगर अपनी अच्छी रखोगे तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अदरवाइज मई 2022 के बाद मई 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक आपको एक लंबी बीमारी स्टार्ट होने के चांसेस है। आइदर लाइफ लॉन्ग चलने वाले डिसीज़ लाइक ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी आपको हो सकती है। स्मॉल सर्जरी के भी चांसेस है। वेल्थ के लिए यह समय मिश्र है बट शुभ है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका सफल नहीं होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। जॉब वालों को मई 2022 के बाद प्रमोशन मिलेगा और सैलरी राइज भी मिलेगा। पार्टनरशिप के लिए यह समय अति शुभ है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो मई 2022 के बाद आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है। सेविंग्स नहीं होगी, लेकिन आपकी कमाई बहुत अच्छी रहने वाली है। रिलेशनशिप के लिए यह समय मिश्र शुभ रहेगा। पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे, किंतु उनकी जिम्मेवारियां आपके पर आने के कारण आप एक तरह के दबाव में रहोगे। दैट मीन्स फैमिली का जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आपके ऊपर रहेगा। शायद किसी फैमिली मेंबर्स की तबीयत ख़राब होने के कारण आपका बहुत सारा समय अस्पताल में भी जा सकता है। अविवाहितों को
में 2022 के बाद योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जो ऑलरेडी विवाहित है उनके लिए यह समय अति शुभ व्यतीत होगा। लेकिन जीवन साथी की तबीयत के बारे में आपको चिंतित रहना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए यह समय मिश्र पर शुभ है। 100% के लिए आपको 120 या 130% एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप अगर परदेश जाने के लिए सोच रहे हो तो भी आपको इसमें सफलता मिलने की चांसेस है। इतना ही नहीं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो भी मई 2022 के बाद आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ओवरऑल एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी शुभ परिणाम देगा। मित्रों, याद रहे संक्षिप्त में 12 राशियों के बारे में यहाँ पर मैंने जानकारी दी है। आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि कहाँ पर है, चंद्र की क्या परिस्थिति है एवं अन्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो रहा है, उसके आधार पर ही प्रिसाइसली बताया जा सकता है। और उसके लिए मेरी सलाह है कि आपको किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेना चाहिए। वही आपको प्रिसाइसली बता पाएगा कि आपको इस संवत के दौरान किस तरह का फल मिल सकता है। अंत में आने वाला यह संवत जो कि इस दिवाली से स्टार्ट होगा और 2022 की दिवाली तक रहेगा, वह संवत हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।